नमस्ते मित्रों, मेरे पास दो ग्रुथ हैं। यह है शतदाउत ग्रुथ और यह है सहस्त्रादि ग्रुथ। शतदाउत मीन्स 100 बार तांबे के बर्तन में धोया हुआ घी, और सहस्त्रादि मतलब 1000 बार तांबे के बर्तन में धोया हुआ घी। इस घी का वर्णन वेदों में संहिता में दिया गया है। जब हम इस तांबे के बर्तन में धोते हैं तो घी के सारे गुण पानी में चले जाते हैं और घी सफेद बन जाता है। ये घी खाने लायक नहीं है, खाने के लिए विष है। लेकिन किसी भी प्रकार की चमड़ी के रोगों में ये बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको एक्जिमा है, इची स्किन है, ड्राई स्किन है, सोराइसिस, खरचवा, रतवा, खुजली, ऐसे किसी भी प्रकार के चर्म रोग में ये बहुत ही उपयोगी है। ठंड में अगर हमारी उंगलियां जल जाती है, पैरों में उंगलियों में ठंड पड़ जाती है, तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। और ये जो 100 बार धोया हुआ घी है शतदाउत ग्रुथ, इसको आप आँख में आईलिड के ऊपर और नीचे लगा लें तो ये आँख की गर्मी निकालने में बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि हम आए दिन टीवी स्क्रीन, आईफोन, आईपैड, मोबाइल स्क्रीन सब यूज़ करते हैं, इससे हमारे आँख में गर्मी बढ़ती है और नंबर भी बढ़ते हैं। तो ये ग्रीत लगाने से गर्मी कम हो जाती है। इसके साथ आप पंचगव्य घी के नज़ल के ड्रॉप्स यूज़ करेंगे तो आपकी आँखों में कभी भी नंबर नहीं बढ़ेंगे। ये घी सहस्त्रादि ग्रुथ, इसे 1000 बार तांबे के बर्तन में धोया है जबकि इसे 100 बार धोया है, इसीलिए इस ग्रीत का असर इससे 10 गुना ज़्यादा है। आपकी स्किन की जो भी समस्या है उसके अनुसार आप इस ग्रीत का उपयोग करें और सारे प्रकार के चर्म रोग से आप छुटकारा पाएं।